नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को सिकरीगंज क्षेत्र में शकुंतला देवी को गंभीर हालत में इलाज के लिए लाए। मरीज को न्यू बिल्डिंग ब्लॉक के जनरल वार्ड में इलाज के लिए रखा गया। परिजनों ने कहा कि आज सुबह हम लोग इलाज के लिए के दौरान ऑक्सीजन खत्म हो गया, वार्ड बॉय ऑक्सीजन सिलेंडर का निडिल ऑन नहीं कर पाया, मुझे इंसाफ चाहिए। जबकि जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने गोरखपुर न्यूज से कहा कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मरीज के परिजन और प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, डॉक्टर्स का, सिस्टर का, नर्स का, वार्ड बॉय का, सारा का था, सारा था, ये फाड़ के फेंका गया है। और इस डस्टबिन में पन्नी रखी हुई थी, पन्नी उठा के फिकवा दिया इन्होंने। इतना छुपाने से कुछ नहीं छुपता, यहाँ रहता है। मेरा नाम दीपक है। हम लोग यहाँ पे लेके 11 बजे आ गए हैं आज। हाँ, 12:15 बजे तक वहाँ से एडमिट होके यहाँ पे 12:30 बजे आ गई हैं। 12:30 बजे से यहाँ पर केवल एक सिरिंज लगाया है और एक बोतल लगाया है, एक सिरिंज एक बोतल, और अभी तक का सिरिंज नहीं निकाला था बोतल का, और यहाँ सर्टिफिकेट बना के तैयार करके दे दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसे फेकू और डॉक्टर को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सरकारी है, सरकारी का मतलब ये नहीं, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री में काम कर रहे हो। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना, उसका हिसाब चाहिए। भैया ने मुंह से ऑक्सीजन दिया उनको, भैया ने हमारे मुंह से ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन तक नहीं दे सकते ये लोग। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पे मैं बात करके गया वार्ड बॉय को बुलाने, वहाँ तक का उसको वार्ड बॉय ने ऑक्सीजन के सिलेंडर का निडल नहीं ऑन किया, निडल नहीं ऑन कर पाया है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मैंने उसको मुंह, मैंने अपनी मम्मी को मुंह से दिया सांस उसको, ताकि कुछ तो प्रेशर बने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भैया हाथ पैर ढीले हैं उनके, और इसी समय पे वो उठ के भाग गया। यहाँ कुछ नहीं होते हैं यहाँ। परिजन हंगामा किया अस्पताल में, आरोप लगाया कि लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई। सर, मैंने इमरजेंसी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी से वार्ता किया, इस क्रम में पूछा, उन्होंने बताया कि मरीज 12:30 बजे के आसपास एडमिट हुआ था, जिसकी स्थिति गंभीर थी और इलाज के उपरांत ही उसकी मृत्यु हुई है, उसमें इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। सर, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, मुंह से ऑक्सीजन दे रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्रत्येक वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं प्रचुर मात्रा में, ये आरोप निराधार है।